हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं स्पीच राइटिंग की। स्पीच राइटिंग इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट वेन एवर वी टॉक अबाउट कम्युनिकेटिंग इंग्लिश लैंग्वेज। जब हम लोगों को एड्रेस करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तब स्पीच राइटिंग का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्पीच राइटिंग बेस्ड हो सकती है किसी ओकेशन पर या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट होता है जिसमें हम किसी एक खास टॉपिक के बारे में अपने विचार लोगों के सामने रखते हैं। दैट्स व्हाट स्पीच राइटिंग। तो इसे हमें कैसे लिखना है, यही सब हम स्टेप बाय स्टेप इस लेक्चर के थ्रू जानेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें हम सीखेंगे कि हम अपनी स्पीच को कितने तरीके से कैटेगराइज करें ताकि हम इफ़ेक्टिवली उसे लिख पाएँ और उसे लोगों को कम्युनिकेट कर पाएँ। हमें इसमें क्या क्या जोड़ना चाहिए, कौन सी वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको हमें अपनी स्पीच राइटिंग में इंक्लूड करना चाहिए जस्ट टू मेक आर स्पीच क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड स्टैंड आउट। तो वही सब आज हम इस टॉपिक में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पीच राइटिंग के बारे में। ओके, स्पीच राइटिंग। स्पीच इज़ रिटन टू एक्सप्रेस आर व्यूज़ इन पब्लिक। स्पीच को हम लिखते हैं हमारे जो विचार हैं उसको पब्लिक में एक्सप्रेस करने के लिए। और स्पीच राइटिंग के लिए हमें प्रेजेंट टेंस की ज़रूरत होती है। टेंसेस जो टॉपिक था जिसको हमने पहले डिस्कस किया, जब हम स्टोरी राइटिंग करते हैं मतलब पास्ट की मेमोरी को जब हम रिकॉल करते हैं उसके बाद हम कुछ लिखते हैं तो वहाँ हमें पास्ट टेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम स्पीच डिलीवर करते हैं और स्पीच को लिखते हैं तो उसके लिए यूजुअली हमें प्रेजेंट टेंस की ज़रूरत होती है। और प्रेजेंट टेंस जिसको हमने पढ़ा हुआ है, हैज़ हैव इज़ हैम आर डू डज या फिर कोई भी मॉडल जिसको हम प्रेजेंट में यूज़ करेंगे, तो उसको लिखना हमारे लिए ईजी भी होगा। इसीलिए स्पीच राइटिंग का जो कॉन्टेंट होता है उसको लिखना ईजी होता है बिकॉज प्रेजेंट टेंस को हमें इसमें यूज़ करना है। क्योंकि पास्ट टेंस में ज़्यादातर जो हमारा डिस्कशन होता है वो वर्ब के सेकेंड फॉर्म से होता है और कई बार हमें जब सेकेंड फॉर्म पता नहीं होता तो उधर हमें दिक्कत होती है। लेकिन इधर हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो सकती हैं इफ़ वी नो द टेंसेस वेरी वेल। उसमें भी हमें प्रेजेंट टेंस की बात करनी है स्पीच को लिखने के लिए। तो अब आते हैं इसके दूसरे पोर्शन पर। स्पीच को हम तीन पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं जिसमें से पैरा वन पैराग्राफ वन में हमें इंट्रोडक्शन लिखना है और इंट्रोडक्शन को हमें शॉर्ट लिखना है। इसमें हमें एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है। दूसरा है मेन बॉडी। मेन बॉडी जो हमारा पैरा टू होगा, पैराग्राफ सेकंड, इसमें हमें जो भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम डिटेल है वो हमें इसमें लिखना है। मैक्सिमम वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हम लिख सकते हैं, 100, 150, वो हमें इसमें लिखना है। और तीसरा है कंक्लूजन, पैरा थ्री, इसको भी हमें शॉर्ट ही लिखना है। तो ऐसे हमें अपनी स्पीच को तीन हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले देना है हमें पैराग्राफ वन में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसके बाद में मेन बॉडी पर आना है, मैक्सिमम हमें जो लिखना है वो मेन बॉडी के अंदर ही लिखना है, और तीसरा हमें देना है कंक्लूज़न। पैराग्राफ थर्ड में कंक्लूज़न होगा और कंक्लूज़न शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा लंबा हमें उसको नहीं खींचना है। वी डू नॉट हैव टू स्ट्रेच इट आउट। तो आइए अब हम इसको बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि जब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन को हमें कैसे लिखना है, उसके बाद में मेन बॉडी को हमें कैसे लिखना है, उसके बाद में हमें कंक्लूज़न को कैसे लिखना है, और साथ में हम इसका एक एग्जांपल भी लेंगे और उसी से हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पैराग्राफ वन विच इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हमें तीन हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला है ग्रीट द ऑडियंस। सबसे पहले जो आपकी ऑडियंस है आप उनको ग्रीट करेंगे, आप उनको संबोधित करेंगे। उसके बाद में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, फिर आपको अपना एक जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, पूरा लॉन्ग इंट्रोडक्शन अपने बारे में सब कुछ आपको नहीं बताना है, केवल जस्ट अपने बारे में आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है। और तीसरा है इंट्रोड्यूस द टॉपिक, और शॉर्ट में आपको टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस कराना है। इसका एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, इसे हम रीड करते हैं फिर हम इसको बेहतर समझ पाएंगे। जैसे स्टार्टिंग है इसकी, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माई डियर फ्रेंड्स। सी, प्रिंसिपल तो एक ही होगा स्कूल का और टीचर्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, इसीलिए हमने टीचर को टीचर्स लिखा है। एंड ऑल माई डियर फ्रेंड्स, तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माई डियर फ्रेंड। तो ये हो गया ग्रीटिंग द ऑडियंस वाला पार्ट। आपने सभी को ग्रीट किया, आपने सभी को संबोधित किया जो भी वहाँ पर आपको सुन रहे हैं। दूसरा आते हैं हम
आई एम राहुल द हेड बॉय ऑफ द स्कूल। अब यहाँ आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया कि आपका नाम राहुल है और आप स्कूल के हेड बॉय हो। आगे देखिए, आई एम डिलाइटेड टू हैव दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग माई व्यूज़ ऑन द रोल ऑफ द वेमेन ऑन द ओकेशन ऑफ वेमेंस डे। इसका मतलब है, अब यहाँ आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराया, मुझे बहुत खुशी है कि वेमेंस डे पर वेमेन का क्या रोल है सोसाइटी में, इसके बारे में मुझे अपने विचार रखने का मौका मिला। ये है आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट, जिसमें पहले आपने लोगों को ग्रीट किया, प्रिंसिपल, टीचर्स और सभी दोस्तों को। उसके बाद में आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, और तीसरे वाले हिस्से में इंट्रोड्यूस द टॉपिक जिसमें आपको करना था, उसमें आपने कहा कि मुझे विमेंस डे पर विमेन का क्या रोल है सोसाइटी में, उस पर अपने विचार रखने की बहुत खुशी है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इसका मेन कॉन्टेंट, जो अपन को लिखना है मेन बॉडी में। ऑलराइट, तो सेकंड पैराग्राफ में हमें बात करनी है मेन बॉडी के बारे में। तो मेन बॉडी में हमें 80-100 वर्ड्स को रखना है, और 80-100 वर्ड्स में ही हमको वो मेन बॉडी को एक्सप्लेन करना है, और इसमें हमें जो कंटेंट इंक्लूड करना है वो उसमें हम फैक्ट्स को जोड़ सकते हैं, मतलब जो तथ्य हैं, कोई स्टैटिस्टिकल डेटा उसको हम जोड़ सकते हैं, और एग्जांपल्स, अगर हमारे पास में एग्जांपल्स हैं तो हम उन एग्जांपल्स को भी जोड़ सकते हैं, बशर्ते वो एग्जांपल रेलेवेंट होना चाहिए। जैसे अगर हम रोल ऑफ वेमेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वेमेन के अचीवमेंट से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं हम उनको जोड़ सकते हैं। और नेक्स्ट है आस्क क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको ऑडियंस से कोई क्वेश्चन नहीं करना है जहाँ आप उनसे कोई आंसर चाहते हो, बल्कि आप अपनी स्पीच के थ्रू कुछ क्वेश्चंस रेज करते हो और आपकी स्पीच में ही उसका आंसर होता है, जिसको हम बोलते हैं रेटोरिकल क्वेश्चन, जिसमें आप ही क्वेश्चन करते हो और आप ही उसका आंसर देते हो। आपको किसी से क्वेश्चन नहीं करना है और कोई उसका आंसर आपको नहीं देगा। सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन वी नीड टू आस्क थ्रू आर स्पीच। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन योर टॉपिक इन डिटेल। अपने टॉपिक को जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट रिमेम्बर 80-100 वर्ड्स के बीच में। तो यहाँ अगेन हमारे पास में इन पॉइंट से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, उसी को हम देखते हैं और रीड करते हैं। तो एग्जाम्पल है, गॉन आर द डेज वेन वेमेन कंसिडर देमसेल्फ वीक। तो अब वो दिन नहीं है जब औरतें अपने आप को कमज़ोर समझती थी, बट टूडे दे आर नाइदर वीक नॉर इन्फीरियर। आज वो ना तो वीक हैं और ना ही किसी से कम हैं। दे हैव प्रूवन देयर वर्थ, उन्होंने अपनी वैल्यू को प्रूव किया है। नेम एनी फील्ड ऑफ प्रोग्रेस वेयर दे हैव नॉट लेफ्ट देयर मार्क। अब इधर जैसा आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसे हमने यहाँ से रीड किया, नेम एनी फील्ड ऑफ प्रोग्रेस वेयर दे हैव नॉट लेफ्ट देयर मार्क। ऐसी कोई सी फील्ड का नाम बताइए जिसमें उन्होंने अपनी छाप ना छोड़ी हो। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को किसी से नहीं पूछ रहे हो, अपनी स्पीच के थ्रू ही इसका आप आंसर दोगे। जैसे दे हैव नोन फॉर देयर सिंसियरिटी। अब जो भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, वो कैसे छोड़ी है और कौन सी वो वेमेन हैं, कहाँ छोड़ी है और कौन सी वो वेमेन हैं जिन्होंने अपना काफ़ी नाम बनाया है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा आगे। तो इसे रीड करते हैं, दे हैव नोन फॉर देयर सिंसियरिटी, उन्हें उनकी सिंसियरिटी के लिए, सेंसिबिलिटी के लिए और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता है। वेमेन लाइक, अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल आ गए, वेमेन लाइक पीटी उषा, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा एक्सेट्रा। तो इधर आपने कुछ एग्जाम्पल्स को इंक्लूड किया, हैव मेड आर कंट्री प्राउड, इन्होंने अपनी सक्सेस से हमारे देश को प्राउड फील कराया है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स भी थे और जो रेटोरिकल क्वेश्चन आपने किया था उसका एक आंसर भी था। इसको आप थोड़ा सा चाहें तो और डिटेल में आप लिख सकते हैं इसको, जैसे जो एग्जाम्पल आपने यहाँ पर जोड़े हुए हैं पीटी उषा, तो पीटी उषा के बारे में एक दो लाइन आप लिख सकते हैं। जैसे पीटी उषा जो कि एक बहुत ही अच्छी रनर थी, शी वॉज अ वेरी गुड रनर ऑफ इंडिया, इसने ओलंपिक में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया, शी रिप्रेजेंटेड इंडिया इन ओलंपिक। तो ऐसे ऐसे आप एक एक लाइन इसमें जोड़ सकते हैं। कल्पना चावला, कल्पना चावला वॉज एस्ट्रोनॉट, चांद पर जाने वाली ये इंडिया की एक वेमेन थी, साइंटिस्ट थी। सानिया मिर्जा एक टेनिस स्टार है जिसने इंडिया को देश विदेशों में काफ़ी रिप्रेजेंट किया और टेनिस में अपनी छाप छोड़ी है। वैसे ही अगर आप चाहें तो इसमें कुछ और एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हमारी प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, आप उनको भी जोड़ सकते हैं। इंदिरा गांधी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, किरण बेदी, शी वॉज एन IPS ऑफिसर, राइट। तो इन एग्जाम्पल्स को भी हम जोड़ सकते हैं। तो ऐसे हमारा जो मेन बॉडी है उसको हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं और ये अच्छा भी लगेगा।
तो ये जो एग्जांपल है इनमें आप एक दो लाइन खुद से जोड़ते जाइए तो आपका मेन बॉडी काफ़ी अच्छा लिख जाएगा। चलिए अब हम आते हैं थर्ड वाले पैराग्राफ पर, विच इज़ कॉन्क्लूजन। ओके, तो हम आ गए हैं अब पैराग्राफ थ्री पर, विच इज़ द कंक्लूजन ऑफ आर स्पीच। तो कंक्लूजन में सबसे पहले हमें ये याद रखना है, कंक्लूड द टॉपिक इन थ्री और फोर लाइन्स। टॉपिक को तीन से चार लाइन के अंदर अंदर हमें कंक्लूड करना है। दूसरा है थैंक द ऑडियंस, और आपको ऑडियंस को लास्ट में थैंक यू भी बोलना है। तो ये प्रॉपर एंडिंग है जब आप कंक्लूजन देते हो। इसका एग्जांपल देखिए, आई एक्नॉलेज द वाइटल रोल वेमेन प्ले इन आर सोसाइटी। मैं ये मानता हूँ कि हमारी समाज में वेमेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एंड देयर इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन शेपिंग एंड क्रिएटिंग द डेफिनेशन ऑफ दिस एरा। और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन ने इस युग को एक नई पहचान दी है जिसमें वो एक परफॉर्मर की तरह उभर कर आई हैं। आगे देखिए, आई देयरफॉर वुड लाइक टू सैल्यूट देम। अब यहाँ पर आप उनको थैंक यू बोल रहे हो, ऊपर आपने दो लाइन में टॉपिक को कंक्लूड किया, अब आप उनको थैंक यू बोल रहे हो। तो आई देयरफॉर वुड लाइक टू सैल्यूट देम, इसीलिए मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग केयरफुली। तो ये आपका पूरा टॉपिक का कंक्लूजन है। तो ऐसे हम किसी भी स्पीच को लिख सकते हैं, वो किसी भी टॉपिक के ऊपर हो। उसको हमें तीन हिस्सों में कैटेगराइज करना है। पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन बताना है, जिसमें आपको लोगों को ग्रीट करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना है। देन आपको शिफ्ट करना है इसके दूसरे पैराग्राफ पर, विच इज़ द मेन बॉडी। मेन बॉडी में आपको टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी डिटेलिंग है, जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा, फैक्ट्स, फिगर, जो भी आपके पास में नॉलेज है, वो सब कुछ आपको उसमें डाल देना है। उसमें कुछ आप एग्जांपल भी जोड़ सकते हो और डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो उन एग्जांपल्स का। यू कैन आस्क रेटोरिकल क्वेश्चन, और उसका आंसर भी फिर आप खुद से ही दे सकते हो। मतलब कंप्लीट डिटेलिंग आपको मेन बॉडी में रखनी है। मतलब ये जो मेन बॉडी है आपकी स्पीच राइटिंग की रीढ़ की हड्डी है, जिसमें आप जो भी कुछ कहने वाले हो लोगों को एड्रेस करने के लिए, वो सब कुछ आपका मेन बॉडी में लिखा जाएगा। और तीसरा है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमें उस टॉपिक को कंक्लूड करना है, उस टॉपिक को एंड करना है, और उसके बाद में ऑडियंस को थैंक बोलकर टॉपिक को क्लोज कर देना है। तो ये हमने पैराग्राफ थ्री में देखा। ऐसे हम किसी भी टॉपिक पर स्पीच लिख सकते हैं। सो होप यू मे हैव गॉट इट, या आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सो बाय बाय एंड सी यू लेटर।